जम्मू कश्मीर वाके बारामूला में हिंदुस्तानी फौज 46 आरआर छठी रेजिमेंट के जरिए जोश खरोश के साथ गुरुपर्व का त्योहार मनाया। 46 आरआर बटालियन ने गुरुद्वारे में बड़ी तादाद में शिरकत कर गुरु नानक को खराज अकीदत पेश की। गुरु नानक जयंती मनाने के लिए बारामूला वाके गुरुद्वारा छठी पदाशाही में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखिए, जैसा जानते हैं कि आज गुरुपर्व जो मनाया जा रहा है पूरे मुल्क भर में, उसी के साथ यहाँ बारामूला में जो 46 आरआर बटालियन है उनके यहाँ भी उन्होंने जो प्रोग्राम रखा था। सबसे पहले हम तमाम सिख बरादरी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं इस गुरुपुरब के मौके पे। जी, सबको मेरी तरफ से गुरुपुरब की मुबारक है। आज पहले से गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है के दिन पर आज हम यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को, पूरे मुल्क की आवाम को, सबको मेरी तरफ से मुबारक है। और जहाँ तक उनकी टीचिंग्स का सवाल है, मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि आज के इस दौर में, इस माहौल में उनकी टीचिंग्स पर अमल करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक आज की बात है, आज यहाँ पर सबको बुलाया गया था और जहाँ बारामूला की आवाम की बात है और बारामूला से मुख्तलिफ जो शोबों से लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, आज यहाँ पर कीर्तन भी हुआ, उसके बाद लंगर भी हुआ। तो मैं यहाँ पर इनको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इन्होंने यहाँ बड़ा दिन जो है बड़े बढ़ चढ़ कर मनाया। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, वी आर ऑल वेरी हैप्पी टू हैव गैदर्ड हेयर टू सेलिब्रेट दी 553rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। ये प्रकाश उत्सव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन। इट रिप्रेजेंट्स द सेक्युलर एंड द रिच हेरिटेज ऑफ आर कंट्री एंड ऑफ कश्मीर। एज यू आर अवेयर, द सिक्स गुरु, छठे गुरु हमारे यहाँ पर कश्मीर में आए थे एंड वी हैव द गुरुद्वारा परम पिलन एट बारामूला ऑल्सो। So it marks a very important occasion of celebration, of remembrance, of seeking blessings, of thanking the God for all the blessings that He has given. And Kashmir and India is such a blessed country and a blessed civilization. The kind of richness that we have, the kind of heritage that we have, I think in it's a matter of great pride and celebration. So all of us have gathered here. We also have local citizens from here, from all walks of life. We have military, and it also shows you the kind of secular ideals which are practiced in the military, that people from all walks of life come together and seek blessings and celebrate all our festivals. And today we have gathered here to celebrate the Prakash Parv and seek the blessings, and we hope that the process of peace and tranquility that is now developing and building up in the valley gets impetus and we see more of growth, more of peace, more of prosperity and happiness and health for everyone. Thank you. इस दौरान 19 डैगर डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC अजय चांदपुरिया भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें भाईचारे, एकता में रहना चाहिए, साथ ही परेशानियों से लड़ने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के मीडिया चेयरमैन डॉक्टर नवाब नसीर ने तहजीब टीवी से बातचीत के दौरान घाटी में पावर कट के मुद्दे पर फिक्र का इजहार किया। विंटर तो हर जगह पे, लंदन, अमेरिका, हर जगह पे विंटर होती है और वहाँ विंटर जो होती है बड़ा खुशनुमा मौसम होता है, लेकिन कश्मीर के लिए विंटर ऐसा है जो बहुत ही तकलीफ देह है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मैं यहाँ सवाल उठाना चाहता हूँ वो चीफ इंजीनियर साहब से जो बोलते हैं कि इस बार लोड शेडिंग बहुत कम होगी। चीफ इंजीनियर साहब, क्या आप हमें ये डाटा दे सकते हैं कि गुपकार पे रहने वाले जो मंत्री और संतरी है, क्या कभी उनकी लोड शेडिंग होती है? जिनको 4,000 यूनिट आप फ्री देते हो लेकिन कभी फीस नहीं भरते हैं, लेकिन उनकी लोड शेडिंग नहीं होती। क्या ये लोड शेडिंग सिर्फ गरीब इंसान के लिए है? क्या ये लोड शेडिंग सिर्फ एक छोटे एम्प्लॉयमेंट वाले के लिए है जिसकी आप कुछ सौ कुछ हजार के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल काट देते हो? बड़े बड़े मीटर तो लगाते हो आपको, लेकिन बिजली दिखाने को नहीं है आपके पास। हम आज एलजी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि एलजी साहब, आप अगर हमको हमारे रिसोर्सेज से जनरेट किया हुआ इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाते हो तो हमें इस चीज का बहुत दुख से बोलना पड़ता है कि आपकी एलजी सरकार फेल है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल फिक्र का मौजू बना हुआ है। मुल्क भर में प्लास्टिक की थैलियों पर लगे बैन के बावजूद यहाँ के बाजारों में खुलेआम इनके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हालांकि लोगों का ये मानना है कि इंतजामिया प्लास्टिक की जगह किसी और चीज के इस्तेमाल करने को लेकर पूरी तरह नाकाम रही है। मैं गांदरबल की बात करूँगा, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे मीट वाला हो, चाहे कोई भी हो, बिना पॉलिथीन के सामान वहाँ से फरोख्त नहीं किया जा रहा है। काज यह है कि मतलब जब तक जो हमारा समाज है, समाज में बेदारी नहीं होगी, शूर पैदा नहीं होगा, ये पॉलिथीन
इंसान के लिए सबसे बड़ी वबा है। जैसा कि आपको पता है, आप देख रहे हैं दिन ब दिन कितने कैंसर के केसेस आ रहे हैं, बाकी बीमारियां आप रोज़ रोज़ मतलब डॉक्टर बोलते हैं पॉलिथीन यूज़ मत करो, या चाहे डिपार्टमेंट जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, मगर अमल उन पर कोई नहीं करता है, ना डिपार्टमेंट ही। बस जब डिपार्टमेंट मार्केट चेकिंग के लिए निकलता है तो वो खाली फ़ोटो शूट होता है, और उसके बाद उनके सामने से या उनके मतलब वो खुद भी फिर पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सामान वो पॉलिथीनों में भर के लाते हैं। बस जैसे मतलब जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये एक सोच खुद में आनी चाहिए, ये पॉलिथीन जो है ये सबसे बड़ी वबा है। जो भी ये मतलब सेल करते हैं, जिसके पास भी ये मतलब जो सब्ज़ी फरोख्त करता है, चाहे मीट फरोख्त करता है, जिसके पास पॉलिथीन पकड़ा जाए उसको बाज़ाबता तौर एक तो जुर्माना होना चाहिए, दूसरी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिथीन इस वक्त एक बड़ा वबा है, इंसानी जानों के साथ ये खेल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर से जो पॉलिथीन आ रहे हैं इस पर काबू पाना थोड़ा सा दुश्वार है, और लोग ही इसमें हमें तावन दे सकते हैं। अगर लोग ही पॉलिथीन का बाइकॉट करेंगे तो फिर मुझे लगता है पॉलिथीन कहीं नहीं रहेगा। मेरी लोगों से ये अपील है कि वो पॉलिथीन इस्तेमाल ना करें। हो सकता है दुकानदार जो अपना सामान बेचते हैं वो पॉलिथीन रखते हैं, हम जहाँ तक चेकिंग करते हैं सीज़ भी करते हैं, लेकिन लोगों से ये अपील है कि वो पॉलिथीन यूज़ ना करें, तभी हमारे गांधरबल में पॉलिथीन ख़त्म हो सकता है। पिछले हफ्ते हमारी इसमें इस संबंध में मीटिंग हुई थी। पॉलिथीन बैन एकदम से कर देना सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए हमको अल्टरनेट देना पड़ेगा। तो हम लोग अभी अल्टरनेट हम लोगों ने ढूंढे हैं बहुत सारे लोगों को, पहले हम अल्टरनेट पकड़ाएंगे और उसके बाद साथ में ही हम पॉलिथीन बैन, तो लोग खुद ब खुद उस चीज़ को हमारा सस्टेनेबल रहेगा।